हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग के सारे यूज हम लोग सीखने वाले हैं। इट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि आज के बाद आपको इट की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इट का प्रयोग हम लोग किसके किसके लिए करते हैं। तो देखिए, इट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, इट का प्रयोग ऋतु के लिए किया जाता है, इट का प्रयोग मौसम के लिए किया जाता है, इट का प्रयोग दिन के लिए किया जाता है, इट का प्रयोग महीना के लिए किया जाता है और इट का प्रयोग साल के लिए भी किया जाता है। इट का प्रयोग इन सभी के लिए किया जाता है। आज की पार्ट वन वीडियो में हम लोग सिर्फ समय को बताना सीखेंगे और जो पार्ट टू वीडियो आएगा उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इंग्लिश में टाइम को कैसे बताया जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में, और पार्ट टू में हम लोग ये सारी चीज़ें एक ही साथ हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए, हमें टाइम बना जब भी हम टाइम इंग्लिश में बताते हैं तो उसमें पास्ट का भी यूज करने के लिए मिलता है। तो पास्ट का मतलब क्या होता है? तो पास्ट का मतलब होता है बजकर, या फिर कह सकते हैं कि बजकर कुछ मिनट होने के लिए हमें पास्ट का यूज करना पड़ता है। तो टाइम बताने के लिए हमें टू का भी यूज करना पड़ता है। तो टू का क्या मतलब होता है? टू का मतलब होता है कि बाकी या कम, मतलब बजने में कुछ मिनट बाकी होने के लिए हमें टू का प्रयोग करना होता है। और भी क्या होता है? और क्वार्टर टू का भी यूज करते हैं हम लोग टाइम बताने के लिए। क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है? बजने में 15 मिनट बाकी होने के लिए हम लोग क्वार्टर टू का यूज करते हैं। और क्वार्टर पास्ट का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है बजकर 15 मिनट होने के लिए हम लोग क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं। एक बात और है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए। तो ये रहा आपका पांचवा पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मिनट, मतलब जब भी कुछ बजकर कुछ मिनट होता है तो वह मिनट अगर 5 का मल्टीपल हो तो हम लोग मिनट नहीं लिखते हैं। अगर जब हमारा मिनट 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो वो अगर 5 के टेबल में आ जाता है, उतना मिनट हो रहा है, तो हम लोग मिनट का यूज नहीं करेंगे। अगर मिनट 5 का मल्टीपल नहीं है तो हम लोग आराम से मिनट का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझा सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे छोटे छोटे सेंटेंस पे चलते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है, सभी के लिए बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम तो इन सबों में होती है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल पाएगा। तो देखिए, हमारा सबसे आसान सेंटेंस क्या है? 7 बजे हैं, नॉर्मल सी बात है। तो हम लिखेंगे इट, इसके लिए हमें इट लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा, फिर 7 बजे हैं तो लिखेंगे हम 7, फिर लिखेंगे ओ क्लॉक, तो हमारा हो गया 7 o'clock। 7 बजे हैं तो इट इज 7 o'clock, इसका इंग्लिश क्या होगा? इट इज 7 o'clock। अब अगर आपको कहना होगा कि 8 बजे हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इट लिखेंगे, इट इज, फिर उसके बाद 8 बजे हैं तो 8 लिखेंगे, 8, फिर उसके बाद ओ क्लॉक, 8 o'clock। 8 बजे हैं तो इसका इंग्लिश 8 o'clock। अगर 10 बजे हैं आपको कहना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 लिखेंगे, इज लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे ओ क्लॉक, 10 o'clock। तो देखिए, 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock। ये तो बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे भी इसे बना लेते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम तो इन सबों में होती है, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाते हैं इसलिए उनको प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, एकदम ध्यान से देखिए, आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा दिया है 7:10 हुए हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि बजकर लिखा है, तो बजकर किसके लिए यूज होगा? पास्ट, मतलब पास्ट का यूज हमें करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट, ठीक है, लिख लिए। इट के साथ यूज भी यूज होगा तो इज का भी कर लिए। अब देखिए कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए ना, तो पहले लिखिए 10, 10 मतलब 10। अब देखिए ये क्या, 10 हमारा 5 का मल्टीपल आता है, 5 के टेबल में आता है, तो कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे मिनट नहीं लिखेंगे, तो बस लिखेंगे 10 पास्ट। अब कितने बजकर हो रहा है? 7 बज के, तो हम लिखेंगे 7, हो गया। तो देखिए 7:10 हुए हैं, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज 10:07, इट इज 10:07। अगला दिया है 8:12 हुए हैं, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको इट लिखना है, फिर उसके बाद इज लिखना है, तो इट इज हो गया। अब देखिए कितने मिनट हुए हैं, 12 मिनट, मतलब 12 मिनट, तो हम लिखेंगे 12, तो 12 लिखेंगे।
अब देखिए क्या 12 ये 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में 12 आता है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता है। तो जब नहीं आता है 5 के मल्टीपल में तो उस समय हमें मिनट का यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स। तो इट इज 12 मिनट्स। अब हमें लिखना है पास्ट, हम लिखेंगे पास्ट। फिर उसके बाद कितने बजकर हो रहे हैं, 8 बज गए तो हम लिखेंगे 8, 8 बजकर हो गया। अगला दिया है 10:30 हुए हैं, तो इसके इंग्लिश क्या होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको इट लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे इज, इज भी लिख लिए। अब देखिए कितने मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए ना, तो 30 को क्या कहते हैं 30, तो हम लिखेंगे 30। अब देखिए क्या 5 के मल्टीपल में आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, तो बिल्कुल कहेंगे कि आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आता है। तो जब आता है तो मिनट नहीं लिखना है, तो हम सिर्फ लिखेंगे पास्ट, फिर उसके बाद हम पास्ट लिख लेंगे। पास्ट लिखने के बाद कितना बज रहा था 10, तो हम लिख लेंगे 10। तो 10:30 हुए हैं, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज 10:30, इट इज 10:30। अब हम लोग चलते हैं टू का प्रयोग, टू का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए 10:25 बाकी है, तो इसे इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको इट लिखना है, फिर इज भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए कितने मिनट, 25 मिनट है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 25। अब बताइए कि क्या 25 5 के टेबल में आता है, आप तो कहेंगे बिल्कुल आता है। तो जब आता है तो मिनट हमें नहीं लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है 2, क्योंकि बाकी है तो 2 लिखना है। फिर कितने बजकर, कितने बजने में, 10:00, तो हम लिखेंगे 10। तो देखिए 10:25 बाकी है, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज 25:10, इट इज 25:10। अगला दिया है 8:08 बाकी है, तो इसे इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे इज, अब फिर कितने मिनट बाकी है 8, तो अब लिखेंगे 8। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि 8 मिनट है ना, 8 मिनट बाकी है ना, तो क्या 8 5 के मल्टीपल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो मिनट का यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे मिनट का यूज होगा, तो मिनट्स हो गया। अब बाकी है तो बाकी के लिए क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 हो गया। अब कितने बजने में, 8:00, तो हम लिखेंगे 8 मतलब 8। तो देखिए 8:08 बाकी है, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज 8:08, इट इज 8 मिनट, इट इज 8 मिनट्स टू, इट इज 8:08। अगला दिया है 12:20 बाकी है, तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको इट लिखना है, फिर इज लिखना है, फिर उसके बाद देखिए कितने मिनट बाकी, 20, 20 को कहते हैं 20, तो हम लिखेंगे 20। अब देखिए क्या 5 के मल्टीपल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे मिनट मत लिखिए, 20। फिर उसके बाद हमें बाकी है तो 2 लिखना है। अब कितने बजने में, 12:00, तो 12 को इंग्लिश लिख लीजिए 12। तो देखिए 12:20 बाकी है, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज 22:12, इट इज 22:12। तो अभी तक हमने सीखा पास्ट का यूज कैसे करते हैं, पास्ट का यूज बजकर या कुछ मिनट होने के लिए करते हैं। टू का यूज हमने सीख लिया कि कुछ मिनट बाकी रहते हैं तो उसके लिए करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्वार्टर टू का और क्वार्टर पास्ट का यूज सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्वार्टर टू का और क्वार्टर पास्ट का यूज। तो अभी तक हमने सीखा पास्ट का प्रयोग करके टाइम को बताने के लिए, अभी तक हमने सीखा टू का प्रयोग करके टाइम बताने के लिए, अब हम लोग सीखेंगे क्वार्टर टू का प्रयोग करके टाइम को कैसे बताएंगे और क्वार्टर पास्ट का यूज करके हम लोग टाइम को कैसे बताएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको भी, तो चलिए हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया है 10:15 बाकी है, तो 10:15 बाकी है, तो चलिए हमारा एग्जाम्पल दिया है 10:15 बाकी है, तो बाकी है के लिए हम लोग क्वार्टर टू का यूज करते हैं और क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं बजकर 15 मिनट होने के लिए। तो इसमें देखिए कि बाकी लिखा है, तो बाकी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वार्टर टू। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज फिर अ क्वार्टर टू, क्योंकि हमें बाकी लिखना है तो इट इज अ क्वार्टर टू। अब कितने बजने में बाकी है, 10:00, तो हम लिखेंगे 10। तो देखिए 10:15 बाकी है, तो बाकी है तो क्वार्टर टू, तो इट इज अ क्वार्टर टू 10, इट इज अ क्वार्टर टू 10, 10:15 बाकी है। अगला दिया है 12:15 हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको इट लिखना है, यहाँ पे देखिए बजकर लिखा है 15 मिनट, बजकर 15 मिनट, तो बजकर 15 मिनट के लिए हमें क्वार्टर पास्ट का यूज करना है, तो हम लिखेंगे इट इज
क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया है 12:15 हुए हैं, तो इसमें देख लीजिए कि आपको 12:15 हुए हैं, तो 12:15 हुए हैं तो उसके लिए हमें लिखना है क्वार्टर पास्ट। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको इट लिखना है, तो इट लिखेंगे, इट इज, फिर उसके बाद अ लिखेंगे, अ क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। अब देखिए कितने बजकर हो रहा है, तो 12:00 हो रहा है, तो 12 लिख लीजिए, 12। तो देखिए 12:15 हुए हैं, तो इसका इंग्लिश हो गया इट इज अ क्वार्टर पास्ट 12, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 12। अगला एग्जाम्पल दिया है 5:15 हुए हैं, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले आपको इट लिखना है, इट के साथ इज भी लिखना है, फिर इसके बाद देखिए 15 हुए हैं ना, तो जब 15 होते हैं तो क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं, तो लिखेंगे अ क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। तो हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट हो गया, फिर कितने बजकर, 5:00, तो हम लिख लेंगे 5। तो देखिए 5:15 हुए हैं, तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 5। अगला दिया है, अगला दिया है 8:15 बाकी हैं, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे, सबसे पहले आपको इट लिखना है, इज भी लिखना है, फिर उसके बाद क्या देखिए 15 बाकी है ना, तो बाकी है के लिए क्वार्टर 2, तो हम लिखेंगे अ क्वार्टर 2, अ क्वार्टर 2। फिर उसके बाद देखिए कितने बजने में, 8:00 में, तो 8 का मीनिंग लिख लीजिए 8। तो देखिए 8:15 बाकी है, तो उसका इंग्लिश हो गया इट इज अ क्वार्टर 2 8, इट इज अ क्वार्टर 2 8। तो देखिए हमने इट का प्रयोग समय बताया कि नहीं, तो देखिए हमने इट का प्रयोग सभी तो देखा आपने टाइम को बताने के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं, पास्ट के साथ कैसे टाइम बताते हैं वो भी हमने सीख लिया है, टू के साथ हमने टाइम को कैसे बताते हैं वो भी हमने सीख लिया है, क्वार्टर टू के साथ टाइम को कैसे बताते हैं वो भी हमने सीख लिया, क्वार्टर पास्ट के साथ हम लोग टाइम को कैसे बताते हैं वो भी हमने सीख लिया, और 5 का मल्टीपल कब हमें मिनट का यूज़ करना है, कब मिनट का यूज़ नहीं करना है वो भी हमने सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट बच गया हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, तो आपका डाउट पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।